नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी टाइम्स और स्वागत है आपका हमारे ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। आईपीएल 2024 के शुरू होने में अब बस कुछ ही दिनों का वक्त बचा है। ऐसे में मुंबई इंडियंस, जो आईपीएल की सबसे सफल टीम मानी जाती है, उसने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी है। जी हाँ, कप्तान हार्दिक पांड्या की कप्तानी में इस बार मुंबई इंडियंस एक अलग रुतबे में नजर आने वाली है। 2013 के बाद मुंबई इंडियंस को एक नया कप्तान मिला है। रोहित शर्मा को हटाकर हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस की टीम मैनेजमेंट ने कप्तान बनाया। लेकिन हाल ही में एक फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसमें रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या एक दूसरे को इग्नोर करते नजर आ रहे हैं। दरअसल बीते दिनों जब मुंबई इंडियंस ने रोहित को हटाकर हार्दिक को कप्तान बनाया था, तो रोहित के फैंस काफी ज्यादा मायूस नजर आए थे। भारतीय क्रिकेट फैंस ने भी मुंबई इंडियंस को अनफॉलो करना शुरू कर दिया था। बड़ी खबर ये भी थी कि फैंस जो है रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाए जाने से खुश नहीं थे। बड़ी बात ये भी थी कि जब हार्दिक पांड्या गुजरात की टीम में गए थे मुंबई इंडियंस को छोड़कर, तो आखिरकार मुंबई इंडियंस ने क्या लॉयल्टी की बात को छोड़ दिया था? क्या इस बात का ध्यान नहीं रखा जब रोहित शर्मा उनके साथ ढंग अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे? हालांकि रोहित शर्मा बतौर बल्लेबाज मुंबई इंडियंस के लिए उतना बेहतर प्रदर्शन पिछले दो सीजन में नहीं कर पाए, लेकिन जिस अंदाज से रोहित शर्मा की कप्तानी रही है और रोहित की कप्तानी में 5 बार मुंबई इंडियंस ने आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम की है, ऐसे में उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो जो तस्वीर वायरल हुई है, दरअसल वो इस सीजन की नहीं है, वो वायरल तस्वीर पिछले सीजन की है, जिसमें कुछ रिप्स की खबरें सामने आई थी रोहित और हार्दिक के बीच। फिलहाल मुंबई इंडियंस का प्रैक्टिस सेशन जारी है और रोहित शर्मा फिलहाल टीम के साथ नहीं जुड़े हैं। बताया जा रहा है कि रोहित 14 या 15 मार्च को मुंबई इंडियंस के खेमों के साथ जुड़ेंगे और उसके बाद वो अपनी प्रैक्टिस करते नजर आएंगे। फिलहाल वो इंग्लिश टीम के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद ब्रेक पर हैं, और ब्रेक के बाद जब रोहित शर्मा टीम में लौटेंगे तो वो किस तरीके का प्रदर्शन करेंगे और इस बार क्या रोल में नजर आएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत। और हाँ, हमारे चैनल एएनपी टाइम्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।